वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस अप्रैल में जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले थे पहले तो अब उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, वो एग्जाम आपके कराए जाएंगे जून में। ठीक है, अब उन बच्चों को एक एग्जाम फीस पे करनी होती है। अगर आप वो एग्जाम फीस पे नहीं करते हैं तो आपका जो है होल टिकट नहीं आता, तो प्लीज आप अपनी एग्जाम फीस जरूर पे कर दें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो है वो एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था अप्रैल के लिए, अब उनके एग्जाम जून में होंगे, उनको तो कंपलसरी फीस पे करनी ही करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और दूसरे बच्चे भी यहाँ पर एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। तो मतलब कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एग्जाम फीस पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो ऐसे बच्चे जो बच्चे एनआईएस में 5 साल पहले जिन्होंने एडमिशन कराया था या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे और अगर अभी वो डैशबोर्ड पे लॉगिन कर पा रहे हैं तो वो बच्चे अपनी एग्जाम फीस पे करके आप क्या कर सकते हैं एनआईएस में जून में अपने एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट जो बच्चे ऑन डिमांड के थे 2019 के थे, 2020 में तो कोई ऑन डिमांड एग्जाम की सीट निकली नहीं थी, तो ऐसे बच्चे जो कि 2019 के थे ऑन डिमांड वाले वो इसमें पब्लिक एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स एक तो ऐसे बच्चे जो कि आपके एनआईएस से फेल थे और सेकंड यहाँ पर हम बात करेंगे जिन बच्चों ने अभी जस्ट जेल फेल में अपने एग्जाम दिए हैं, उनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके की एग्जाम छूट गए हैं या फिर एग्जाम में उनको लग रहा है कि कम मार्क्स आ सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। जब एनआईएस की नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको डेट दी गई है कि कब से कब तक आपको जो है बिना लेट फीस के आपको फीस देनी है और कब से कब तक आपको जो है वो लेट फीस के साथ फीस देनी है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फीस पे कराना चाहते हैं तो हमें उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो किसी तरीके का कोई अपना स्टडी सेंटर चेंज कराना चाहते हैं, कोई भी अपने फादर मदर नेम करेक्शन कराना चाहते हैं, तो आप उस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी बता सकते हैं। याद रहे क्वेरी में आप लिख दीजिएगा हमें ये करेक्शन करानी है, हमें चार्जेस बता दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड और इस तरीके के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।